आज मैं बताने वाली हूँ सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके लोअर बैली फैट को कम करने के लिए। अगर आपका भी सिर्फ और सिर्फ लोअर बैली है, यानी कि लोअर बैली के ऊपर फैट है, वो लटका हुआ आपको दिखाई देता है, वही कम नहीं हो रहा है, बाकी आपकी बॉडी ठीक ठाक है, आपको उसको ही कम करना है, तो एक पॉइंट उसको प्रेस कर लेना। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, बैठ के आप प्रेस कर रहे हो, और नॉर्मल सी कुछ एक्टिविटी जो कि आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगी आपके लोअर बैली को पूरी तरीके से टोन करने में या एकदम से सपाट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर में चैनल हेल्थ के नाम पर स्वागत। देखो फ्रेंड्स, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बताती जो हेल्पफुल ना हो। हर एक चीज, हर एक एक्सरसाइज वो बताती जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या ना भी देख रहे हैं, किसी को इस चीज की जरूरत है और आप उसको जानते हो, तो आप मेरी वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी बताने वाली हूँ, मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ अपनी लाइव क्लासेस को लेके आपके साथ वर्कआउट करने के लिए, जिसे आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्कआउट करके आप आसानी से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं कौन सी एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, मैं खुद आपको करवा के आपका वेट लॉस आसानी से करवा सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और चलिए आज के लिए क्या करना है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप रेगुलरली इसको प्रेस करते हैं मेरे बताए अनुसार, और उसके साथ ही कुछ नॉर्मल सी एक्टिविटी बैठे बैठे कर लेना, टीवी देखते हुए कर लेना, जिससे जल्दी से आपका बेली फैट बिल्कुल सपाट होने वाला है, बेली फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और साथ ही मैं ये तो जरूर कहती हूँ, अगर नहीं भी कहती तो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, जितनी भी चीनी वाली चीजें हैं बिल्कुल अवॉइड कर दो, बहुत कम कर दो। अगर खानी है तो खाने के बाद खाइए, खाने से पहले थोड़ा सा प्रोटीन ले लीजिए, फाइबर जो कि सैलड में होता है, कच्ची सैलड में, तो वो खाना आज से शुरू कर दीजिए। और खाना बहुत ज्यादा चबा चबा के खाइए, और चाय कॉफी बहुत कम लेना है, और शुगर तो चाय में डालनी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मतलब आपको ये लगता है कि भाई बिना मीठी चाय हम नहीं पी सकते, तो उसमें गुड़ डाल लीजिए, वो आपके लिए अच्छी होगी। और रसगुल्ले, समोसे, पिज्जा, इनसे थोड़ा दूर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो आपके प्रेशर पॉइंट्स कौन सा है। अपना पैर निकालिए, आप सबके पास पैर है ना आप कहेंगे यस मैम है, पैर तो है। अब देखिए, आपको अपनी चौथी उंगली पे जाना है, जैसे आपके टो से 1 2 3 4। अब ये आपका नेल हुआ, मेरा नेल बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, उस पर मत जाइए। अब नेल के लास्ट जाइए, जहां से नेल शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है ना, तो वहां ऐसे जहां नेल की आपकी रूट है यहाँ, और टुवर्ड टो, यानी टोज के साथ वाली लाइन में, इस साइड। तो यहाँ पे देखो, मैं ऐसे स्केच से आपको ये बना के भी दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ ये पॉइंट है, और आपको इसको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से प्रेस करते रहिए। पहले एक पैर की उंगली में ऐसे घुमाना है इसको, जैसे इस तरीके से घुमा रहे हैं ना किसी चीज को, ऐसे घुमाना है इस तरीके से, ऐसे घुमाइए। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, लोअर बैली फैट को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस तरीके से करिए 2 से 3 मिनट के लिए रेगुलरली, टीवी देखते हुए, कोई काम आप कर रहे हो जिसमें बैठे हो, भाई किसी के साथ बात कर रहे हो, तब आप ये कर सकते हो। दोनों पैरों में एक साथ नहीं, जैसे पहले एक में कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे में आप कर सकते हो, ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट आपको जरूर ऐसे करना है। अब आप कहेंगे भाई इसमें बोर हो रहे हैं, हम नहीं प्रेस करते, कुछ लोग ऐसे हैं नहीं कंटिन्यू इस चीज को कर सकते हैं, तो कुछ एक्टिविटी आपको साथ में ही बताने वाली हूँ जो आपके बेली फैट को बिल्कुल खत्म कर। चलिए वो देखते हैं, दोनों पैरों में आपको ऐसे ही करना है। अभी थोड़ी ठंड है इसलिए सॉक्स डाल लूँ। अब देखिए, ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आप इस तरीके से बैठे हैं, आपकी जान ना भी है उस तरीके से, ऐसे दोनों उंगलियों को यहाँ पे रखना है, और आवाज़ निकालिए इस तरीके से, आवाज़ निकालिए, इससे पूरी सांस आपकी बाहर आएगी, बैली अंदर जाएगी। ये आपको डेली करना है कम से कम 30 सेकेंड के लिए, पहले कम टाइम के लिए कर सकते हो, धीरे धीरे से आदत डालनी है, फिर 30 सेकेंड के लिए कंटिन्यू करनी है। देखो कैसे, यहाँ जहाँ आपकी बिल्कुल नाभि है उसमें दोनों उंगलियाँ इस तरीके से रख दीजिए, और ऐसे करनी,
जैसे हम खांसते हैं ना उस तरीके से करनी है, आवाज निकालनी है। अब झटके से जैसे हम सांस को निकालते हैं और एकदम से ये जैसे आवाज को भी बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और हमारा जो पेट है ना उसी तरीके से टोन होना शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब जब हम इस तरीके से बैठे रहते हैं स्लाउच करके, तो हमारे मसल्स भी लूज होने लगते हैं और फैट बाहर की तरफ इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि हम ऐसे लटके हुए बैठे हैं, वहां पे स्पेस मिल गया। अब जब ऐसे तान के उस चीज को आप अंदर ऐसे कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो वैसे ही मसल अंदर की तरफ पुश होने शुरू हो जाते हैं और फैट वहां से खत्म होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। यानी एक तरीके से हम इस एरिया को गर्म कर रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं और अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो इससे आपको कम से कम आप देखेंगे एक हफ्ते में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसको करके देखिए कंटिन्यू, 30 सेकंड के लिए तो करना ही करना है, बीच में रुक सकते हो अगर नहीं एक साथ आपसे हो रहा है, और फिर धीरे धीरे बढ़ा के 1 मिनट के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, फिर से बताती हूँ कैसे करना है। ऐसे कमर को सीधा करके बैठ जाना है, कमर को सीधा अगर नहीं कर सकते तो दीवार के पास ऐसे कमर को लगा के बैठ सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, और नाक से ही सांस लेना है। कुछ लोग मुंह से लेने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा, नाक से ही लेना है। रुकिए थोड़ा सा ऐसे, ऐसे करना है। अब ये हो गई। दूसरी चीज देख लीजिए जो आपको करनी है, अपनी लेग को ऐसे पकड़ लीजिए, इस तरीके से पकड़ा और ऐसे इसको झुलाना है, जैसे हम बच्चे को अपनी गोद में झुलाते हैं ना, इस तरीके से अपनी लेग को झुला लीजिए ऐसे। इससे भी हमारा इफेक्ट सीधा यहाँ पे लोअर एरिया में आता है, जहाँ लोअर बेली फैट होता है ना, तो वहाँ पे आता है। जब आप ऐसे करोगे कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए, 20 रेपिटेशन कर लो एक लेग से, तो इफेक्ट बहुत जल्दी आना शुरू होगा। यहाँ का फैट, ये जो थाई का फैट भी बढ़ जाता है, ये भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ऐसे आगे पीछे आपको घुमाना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इस पैर को पकड़ के ऐसे सर्कल बनाना है। ये तो आसानी से टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए, और इससे अगर जॉइंट्स में पेन भी होता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, या कुल्लों में स्टिफनेस बहुत बढ़ जाती है, आपसे चला नहीं जाता है, तो वो चीज़ भी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। और घुटनों में अगर दर्द रहता है तो उसमें भी काफ़ी आराम मिल जाएगा। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी कल रात को, तो उसमें किसी ने मुझे लिखा था कि मैम मेरे घुटनों में दर्द होता है, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिससे मेरे घुटनों का दर्द ना बढ़े और मैं पेट को भी कम कर सकूँ। तो वो लोग भी इस तरीके से धीरे धीरे से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे, जितनी देर आप कर सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, आप उस हिसाब से करिए। धीरे धीरे शुरू करिए थोड़े टाइम से, और बढ़ा बढ़ा के आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी लेग से ऐसे पैर को पकड़िए, और ऐसे घुटने को भी पकड़ सकते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो आपको ऐसे। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप करना शुरू करोगे ना, तो एक टाइम तो आपको थोड़ा सा लगेगा एक्सरसाइज करते हुए कि यहाँ पे पेन वहाँ पे पेन, थोड़ा सा जब शुरू करते हैं, धीरे धीरे जब आप करने के बाद जब रिलैक्स फील करते हो ना, तब देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत मतलब खुशी होती है, एकदम मन इतना खुश हो जाता है कि वाह आज मैंने कुछ किया है, और एकदम मतलब हल्का हो जाता है, पूरा शरीर भी ना हल्का हो जाता है, और दौड़ दौड़ के आप घर के काम करते हो इस तरीके से ऐसे। और अपोजिट डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में आपने करना है, और ऐसा नहीं कि एक ही बार करना है, दिन में जब भी आपको टाइम मिल रहा है तभी करिए, बस खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। खाना खाए हुए 2 से 2.5 घंटे हो जाए तब आप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, इस तरीके से पैरों को पकड़ना है। एक तो होता है तितली आसन, शुरू में तितली आसन कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी खुल जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबल बन जाए। तितली आसन भी बहुत अच्छा है जिनको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जब पीरियड्स आते हैं, पेन होता है, जब पीरियड्स अच्छी तरीके से नहीं होते, तो तितली आसन 1 मिनट तक जरूर करना है। और यहाँ पे फैट है अगर, तो तितली आसन जरूर करें, बहुत अच्छा आसन है, औरतों के लिए भी जेंट्स के लिए भी। अब इससे अलग क्या करना है बेली फैट को कम करने के लिए, इस तरीके से ऐसे अपनी लेग्स को ऐसे स्क्वीज करना है, अपनी आर्म से लगा देना है, ऐसे पंजों को पकड़ के रखना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर करना है ऐसे
थ्री, ऐसे आपको रेपिटेशन काउंट करते जाने, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ दबाना है, थोड़ी देर दबाना है कुछ सेकंड के लिए, वापस ऐसे अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, इसे बहुत जल्दी आपका पेट है ना अंदर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका फैट बर्न होगा। अब ऐसे उकड़ू बैठ जाइए। अब जो लोग नहीं बैठ सकते यानी घुटनों में बहुत सीवियर पेन होता है भाई, बिल्कुल नहीं बैठ सकते तो वो तो ना करें, चलो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके घुटनों में हल्का दर्द होता है तो वो जरूर प्रैक्टिस करें। इससे उनका घुटनों का पेन बढ़ेगा नहीं बल्कि धीरे धीरे उनका थोड़ा कम होना शुरू होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है आपके घुटनों के मसल्स में, आपकी लेग की मसल्स में। तो करने की कोशिश करिए, चाहे आप थोड़ा ही कर रहे हैं। अब इस तरीके से एड़ी उठा लीजिए, हाथों को ऐसे पकड़ना है और ऐसे अपने पैरों को एड़ी उठा के ऐसे आपस में मिलाना है, ऐसे। शुरू शुरू में नहीं होगा, अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसे बैठ जाइए और इस तरीके से करने की कोशिश करिए, ऐसे एड़ी को मत उठाइए शुरू में, ऐसे करते रहिए। इससे भी बहुत जल्दी फैट बर्न होता है, और अगर आपको लोअर बैली की प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी आपका कम होगा। जितना भी कर सकते हैं, जितनी देर, जैसे 10 रेपिटेशन कर सकते हैं कोई बात नहीं, एक बार 10 रेपिटेशन करिए, शाम को फिर से 10 रेपिटेशन कर लीजिए ऐसे, या फिर एड़ी उठा के बाद में आप एड़ी उठा सकते हैं इस तरीके से, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। कभी कभी बैलेंस बिगड़ने लगता है, लेकिन बीच बीच में बैलेंस बना रहना है। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने अभी एड़ी उठा के आपको बताई, ये वाली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जिनका डायबिटीज़ की वजह से पेट बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ हमेशा हाई रहती है। जैसे मैंने एड़ी को उठाया, ये मेरा मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, इस पर काम हो रहा है, तो इस पर काम होना शुरू हो जाता है, ये डायरेक्ट जो ग्लूकोज है ना वो आपके ब्लड से खींचता है। अगर आपका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है तो आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर करना एडी उठा के, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना वो फिर आपका बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, वो कम आपका रहेगा, क्योंकि आप उसको बर्न कर रहे हैं। आप कई बार कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे अपने डायबिटीज़ को भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपने फैट को भी बर्न कर पा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।